भारतीय जनता पार्टी ने घंटाघर पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का जलाया पुतला। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश बोला उसके विरोध में। मंदसौर भारत माता चौराहा स्थित बीजेपी कार्यालय पर पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की गई और पुतले को चप्पलों की माला पहनाकर हाथों में उठाकर पैदल रैली निकालकर घंटाघर पहुंचे, जहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर पुतला जलाया गया। भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री गणपत सिंह आंजना ने मीडिया से चर्चा करते हुए 4:48 पर गुरुवार को बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी द्वारा मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश बोला गया। उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता इसका विरोध कर रहा है, इसीलिए आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया है। मंडल अध्यक्ष अरविंद सारावस्त ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया गया है, क्योंकि उनके द्वारा विवादित बयान दिया गया है, उनके द्वारा मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश बोला गया है, उसी के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन आज किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं में काफी आक्रोश था। सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम के तौर पर पुलिस भी यहाँ पर तैनात थी और फायर फाइटर को भी तैनात किया गया था। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का जो अपमान किया है इस मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश बोलकर, वो निंदनीय है। किसी सरकार की किसी नीति से आपकी व्यक्तिगत आलोचना हो सकती है, पर उसके लिए आप पूरे मध्य प्रदेश की जनता को इस तरह अपमानित करोगे, पूरे मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश कहोगे, ये बहुत निंदनीय है। क्योंकि कमलनाथ जी का संबंध हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता से नहीं है, वो बाहर से आए हुए हैं, आयोजित लोग हैं, इसलिए मध्य प्रदेश की जनता को उन्होंने जो अपमान किया है इसका जवाब पहले भी जनता दे चुकी है। आने वाले 2023 के चुनाव में पुनः जनता उनको इस तरह जवाब देगी कि जो आपने हमारा अपमान किया है उस अपमान का बदला जनता वोट से देगी। आज ये जो पुतला दहन किया है बहुत ही हमारे मध्य प्रदेश के लिए एक शर्मनाक बात है कि आज कांग्रेस के कमलनाथ ने आज हमारे मध्य प्रदेश को मदिरा मध्य प्रदेश की जो परिभाषा और उदाहरण देके जो बात कही है, यह आम जो हमारे मध्य प्रदेश की जनता का अपमान है और ये जनता का अपमान भारतीय जनता पार्टी कदापि नहीं सहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जन जन से जुड़ी हुई पार्टी है। ये मध्य प्रदेश के विकास की जो कल्पना है, जो मध्य प्रदेश के विकास के बारे में सोचती है, और मध्य प्रदेश के लिए एक कांग्रेस के नेता के साथ घटिया बयान जो सामने आया है, इसको लेके आज सभी आक्रोशित है और उसी को लेके यहाँ पुतला दहन किया है। धन्यवाद।